नेपोलियन ने एक बात कही थी, जब कोई चीज तुम्हें पसंद ना हो, कोई रूल तुम्हें पसंद ना हो, तो अपने आप को इतना बड़ा बनाओ, वहां पहुंचो और उस रूल को चेंज कर दो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश, स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो शायद आप स्टूडेंट हैं या पेशेंट हैं या आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या अपने बच्चों के लिए सपना देख रहे हैं कि इसे डॉक्टर बनाना है, उन सब विषयों पे आज मैं बात करूंगा कि किस तरीके से इन्हों इतना बड़ा फ्रॉड चलता है और कैसे डॉक्टर्स हमसे इतना ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं। और साथ में डॉक्टर की चार्जिंग की छोड़िए, लाइक मेडिकल कॉलेज MCI जो कि रेगुलेट करती है पूरे इसको, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, कितना बड़ा घोटाला इन सब में चलता रहता है, उन सब विषयों पर मैं आप बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए आज हमारे साथ। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर आपको स्टूडेंट मोटिवेशंस वीडियोस मिलती रहती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि MBBS करने के लिए इंडिया में आपको NEET नेट का एग्जामिनेशन देना होगा, ठीक है। साथ में मैं आपको बता दूं 2018 जो भी एग्जामिनेशन हुआ इस बार, उसमें 13 लाख स्टूडेंट ने अपीयर किया नेट के एग्जामिनेशन के लिए, उसमें से तकरीबन 7 लाख स्टूडेंट जो है वो पास आउट हुए। अब ये बात ठीक है, चलो भाई 7 लाख स्टूडेंट पास हुए तो इन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा और MBBS डॉक्टर बन जाएंगे। जी नहीं, इतना आसान नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 63,000 ही सीटें इंडिया में, महज सिर्फ 5% लोगों का ही एडमिशन हो पाता है। तो अब बात आ गई, ये 95% कहाँ जाएंगे? अब ये 95% ऐसा तो है नहीं कि ये सपने छोड़ दे लाइक डॉक्टर बनने का। अब बहुत से लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है वह अब्रॉड चले जाते हैं, बहुत कुछ लोग गिन के 1-2%, बाकी लोग इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं जहाँ पे तकरीबन इनकी जो फीस है आप मानेंगे नहीं, 1 करोड़ के करीब खर्चा आ जाता है एक, अगर आप MBBS करना चाहते हैं 5.5 सालों में। तो अब सोचिए कि उसमें से भी बहुत से लोग क्या होते हैं, अब जब 5% लोग ही NET के एग्जामिनेशन में जाएंगे तो ये बात लाजमी है कि ब्रोकर्स आ जाते हैं, घूस लेने वाले लोग आ जाते हैं, जिनमें आपने अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले 1-2 महीने पहले न्यूज में सुना होगा कि लाइक MCI ने रोक लगा दी बहुत से कॉलेजों को, तकरीबन 10,000 एडमिशंस इस बार डॉक्टर्स नहीं बनने की, एडमिशन ना लेने की रोक लगाई, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइक घूसखोरी चल रही थी। तकरीबन एक स्टूडेंट के एडमिशन के लिए 1.5 करोड़ रुपए लिए जाते हैं। जी हाँ, 1-1 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, गवर्नमेंट इन द सेंस की लाइक जो लोग अभी देखा आपने जज वाला घोटाला था कि जज को तक दिया गया 1-1 करोड़ रुपीज, ऐसे मतलब 1-1 एडमिशन में 1-1 करोड़ रुपए। आप सोचिए कि जब 1-1 करोड़ रुपए लोग लेंगे एडमिशन देने में, तकरीबन जो खर्चा है, मैं बता दूं कि अगर एक MBBS स्टूडेंट IIM से करेगा तो गवर्नमेंट का उसमें 1-1.5 करोड़ का एक MBBS बनाने में खर्चा है। अब बात आती है कि चलो एक बच्चे पर 1.5 करोड़ खर्च किया जाएगा तो बच्चा तो यार जबरदस्त निकलेगा। आप जाके पता कर लीजिए, वहाँ पे जितने भी इंटरव्यू सुनिए, स्टूडेंट से मिलिए, ना तो वहाँ फैकल्टीज होती हैं, ना तो वहाँ पे अच्छे लाइक इक्विपमेंट्स है, मशीन है वहाँ पे जो बच्चे सीख पाए उस चीज़ों में, फैकल्टी की कमी तो उनको हमेशा रहती है। आपको मैं बता दूँ, फैकल्टी छोड़िए, डॉक्टर्स भी इंडिया में 1600 मरीज पे एक डॉक्टर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग मिनिमम इंडिया में इसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 1000 पे एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए, यहाँ पे 1600 लोगों पे एक डॉक्टर है, ये आप जान के हैरान रह जाएंगे। साथ में जो बच्चे लाइक एम्स वगैरह से निकलते हैं डॉक्टर बनके, उसमें 50% लोग अब्रॉड चले जाते हैं, और जो 50% है वो यहाँ पे लाइक उनको बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस अपने हायर कर लेती है या फिर वो अच्छे कॉलेजेस में लेक्चरर बन जाते हैं, बड़े लेवल पे डॉक्टर बन जाते हैं। और जो लोग करोड़ों रुपए खर्च करके प्राइवेट कॉलेजेस से निकलते हैं या फिर जिन्होंने 1-1.5 करोड़ रुपए घूस दिए थे कॉलेज में एडमिशन के लिए, भाई क्या करते हैं, स्टूडेंट की गलती थोड़ी है। अब सिस्टम ही इतना करप्ट है कि आप सोचिए कि हर साल जब गवर्नमेंट नया अपना अमेंडमेंट या बिल पेश करती है तो हर साल कहती है कि इस बार हम 50 एम्स खोलने का अनाउंस करते हैं, 60 एम्स खोलने का अनाउंस करते हैं, 20 एम्स खोलेंगे, 25 एम्स खोलेंगे, मतलब अनाउंसमेंट ऐसी होती है जैसे आज बोला और 1 एम्स खुल गया, और कहीं जाके पूरे 7-8 सालों में 7-8 एम्स पे काम किया जाता है। एक स्टूडेंट ने कितना अच्छा जवाब दिया कि सर नए कॉलेजों का अनाउंसमेंट करने से आप वहीं कह दें कि इस बार जितने भी एम्स हैं उनमें हम बेटर फैसिलिटीज देंगे, फैकल्टी प्रोवाइड करेंगे, सीट्स अवेलेबल करेंगे, उसको लार्ज स्केल में बनाएंगे। और यहां पे एक और बात निकल के आती है, जो MCI है ये बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन इस पे बहुत सारे घोटालों पे किया गया। घोटाला क्या है मैं बताऊं, वो मैंने आपको बताया, जैसे कि आप अगर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे हिंदुस्तान टाइम के अकॉर्डिंग, इसमें कहा गया है कि अगर आप MBBS फिलीपींस से करेंगे तो सिर्फ 22 लाख में हो जाता है, MBBS रशिया से करेंगे तो 23 लाख में हो जाता है, यूक्रेन से करेंगे तो 22 लाख में हो जाता है, चाइना से करेंगे तो 30 लाख में हो जाता है, ऐसे कंट्री से आप करते हैं MBBS तो आपका ये खर्चा है। वहीं पे एज कंपेयर टू इन्होंने इंडिया लिखा कि अगर आप गवर्नमेंट इंडिया जो एवरी एक MBBS स्टूडेंट पे खर्च करती है वो है 1.7 करोड़, और एनी गवर्नमेंट कॉलेजेस मतलब एम्स के अलावा जो स्टेट लेवल पे है वो तकरीबन 1-1.5 करोड़ एक से
1,20,00,000 के करीब यहाँ पे खर्च करती है एक स्टूडेंट पे। तो मैंने आपको बताया कि तब भी जाके ना तो फैसिलिटीज है, ना कॉलेजेस है, ना लाइक फैकल्टी है, ना बच्चों को अच्छी इक्विपमेंट्स मिली जाती है, कहाँ जाता है इतना पैसा। बहुत सारे एलिगेशंस हैं इनके ऊपर, तकरीबन जैसे फर्स्ट पोस्ट हो गया, यू नो BMG, हर वेबसाइट पे इनके बारे में लाइक लिखा हुआ है कि कितने घोटाले करे ने, ABP की न्यूज़ में कितनी बार आया कि कितने ज़्यादा MCA में घोटाले पकड़े जाते हैं। ये स्ट्रिक्टनेस क्या लाइक बरतते हैं कि जाते हैं बीच में, जब भी इनको काउंसलिंग का वो मिलता है लाइक इंस्पेक्शन के लिए, वहाँ पे देखा कि इतने मरीजों को इलाज किया गया तो वो उस कॉलेज में उतनी भर्ती रोक देते हैं। इस बार 10,000 स्टूडेंटों का एडमिशन MBBS में नहीं होगा, अब ये सोचिए। तो मतलब ये लोग कहाँ जाएंगे। साथ में जब ये लोग इतना पैसा भरते हैं तो ऑब्वियसली खुद का जब प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो कहाँ से चार्ज करेंगे। ऑब्वियसली अगर एक डॉक्टर का एक मरीज ही होता है तो वहाँ से वो इतनी हैवी फीस वसूलते हैं। अल्टीमेटली सारा बागडोर घूम के पब्लिक पे आता है, चाहे सिस्टम करप्ट हो, लाइक इंस्टीट्यूशंस गड़बड़ हो, फैसिलिटीज़ ना हो, सारी चीज़ों का प्रॉब्लम पब्लिक ही है। आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट में जब आप एम्स में जाते हैं सुन के ही डर लगता है कि कौन जाए यार, थोड़ी सी इनकम ज़्यादा अर्न कर लेते हैं या अपनी इनकम का ज़्यादा पैसा बच्चों में लगा देते हैं और किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ही चल के दिखा लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में प्रोसेस ही नहीं है इतना बड़ा। चाहे ऑनलाइन फैसिलिटीज हो, सब नाम मात्र है, अभी आप जाके देखिए कितनी लंबी और धक्के खानी पड़ती है इन चीज़ों में। यह है इसका प्रोसेस, मतलब स्टूडेंटों का, मतलब चाहे आप NET क्रैक कर लें, लाइक आपको कितने रैंक लाने होंगे, आप 530 नंबर, 40 नंबर, ऐसे अगर आप रैंक लाते हैं तब जाके आपको कहीं गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने के आसार हैं। सोच के ही दंग लगता है इन सब चीज़ों पे। कई बार अभी कई बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी इस कमेंट में, कि लाइक कहते हैं सर मेरा यार 90 हो गया, मतलब ऑल इंडिया रैंक 90 आया तब भी मेरा IIT बॉम्बे में एडमिशन नहीं हुआ। कहाँ से होगा इतने ज़्यादा, एक तो शीट्स कम है, सिर्फ हम अनाउंस करते रहते हैं लेकिन कॉलेजेसों में बेटर फैसिलिटीज़ नहीं। मतलब ये नहीं कि कॉलेजेसों में ही सीट्स बढ़ाएं, कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को ही बढ़ाएं, इन चीज़ों पे गवर्नमेंट का फोकस ही नहीं है। कौन करप्ट है कौन नहीं, अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट पब्लिक यही पिसती है, बाकी सब अपने अपने रोटियां सेकते रहते हैं। ये है पूरा मेडिकल सिस्टम का पूरा कांड। और इसमें अभी आपने देखा होगा जज तक पकड़े गए सुप्रीम कोर्ट के, जब ये रोक लगाई गई कि भाई नहीं एडमिशंस नहीं होंगे तो जज तक बात गई, फोन टैप, ये लोग टैप में बात करते हैं कैसे पैसों लेन देन के लिए, कि भाई मंदिर कौन से मंदिर में होगा, दिल्ली वाले में या UP वाले में, प्रसाद कितना रहेगा, मतलब पैसे कितने दिए जाएंगे, चलो ठीक है 1 करोड़ हमें दिलवा देना, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स ये लोग, हम पता नहीं क्या यार, बच्चों का भविष्य, मतलब यार स्टूडेंट लाइक एजुकेशन सिस्टम को कितना करप्ट बना दिया इन लोगों ने। आप सोच के दंग आता है कि मतलब बच्चा एक पढ़ने जाता है MBBS के लिए, वो किन चंगुलों में फंस जाता है, इस चीज को आप सोच के हैरान रह जाएंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आप NET के प्रोसेस के लिए एक प्रॉपर मैं वीडियो बनाऊं कि स्टूडेंट किस तरीके से NET एग्जामिनेशन क्रैक करेगा, क्या पूरा प्रोसेस है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, आज या कल में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और बाकी यही था पूरा प्रोसेस इनका, और आई एम श्योर कि ज़रूर इन चीज़ों का ध्यान रखिए। कहते हैं कि इस चीज़ को ठीक कैसे किया जाए, लोग बोलने वाले तो बहुत से लोग आते हैं। नेपोलियन ने एक बात कही थी, जब कोई चीज़ तुम्हें पसंद ना हो, कोई रूल तुम्हें पसंद ना हो, तो अपने आप को इतना बड़ा बनाओ, वहाँ पहुँचो और उस रूल को चेंज कर दो। तो आई एम श्योर जो लोग डॉक्टर इंजीनियर ऐसे स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन करते हैं वहीं MCA में जाके लाइक हेड ऑफ डिपार्टमेंट में बैठते हैं, तो आप आज से मेंटालिटी जो आपकी होती है कि मैं सिस्टम ठीक कर दूंगा, वहाँ पहुँचने के बाद भी वही मेंटालिटी रखिए। जो स्टूडेंट आज कहते हैं कि मैं डॉक्टर बन के देश का लाइक भविष्य के लिए कुछ काम करूंगा अपने देश के लिए, वहाँ पे आप अपनी स्लिप में महंगी फीस मत वसूलिए। इन चीज़ों से मेडिसिन काफ़ी सस्ते होंगे और बहुत सी चीज़ें होंगी जिसका डॉक्टर्स भी ध्यान रखेंगे तो बहुत सही होगा एक नेशंस के लिए। बहुत से लोग इंडिया से पास आउट करके अब्रॉड चले जाते हैं, ये बात ठीक है, आपका हक बनता है, फ्रीडम ऑफ लाइफ हर एक को है, जो मर्जी कर सकता है, लेकिन आपका हक बनता है जब आपको भारत सरकार ने इतने पैसे खर्च किया आपके ऊपर और आपको एक डॉक्टर बनाया, एक अच्छे डॉक्टर बने आप, तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप नेशन में रह के नेशन के लिए कुछ काम करें। बाकी ये आपकी सोच है। थैंक यू सो मच दोस्तों, कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।
तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वी मेक क्रिएटर्स चैनल को, और साथ में कुछ अगर आप ओपिनियन अपना शेयर कर सकते हैं मेरे साथ तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को ही फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।